मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि क्योंकि आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई जिसके अंदर एक बड़ी घोषणा आपने करी कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, क्या आपको लगता है जो नेशनलिज्म पे डिबेट छिड़ी है और जो शशि थरूर ने बात कही है, क्या आपको लगता है गाहे बगाहे में थोड़ी बड़बोलापन, जैसे कुछ आपके नेता भी बड़बोलापन करते हैं, वैसे भी शशि थरूर भी कुछ बड़बोलापन कर गए, नथिंग मोर देन दैट। देखिए, मैं पहले तो मैं भगत सिंह के विषय में कांग्रेस के सामने विनम्रता पूर्वक कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। भगत सिंह को किस दिन फांसी हुई थी? 23 मार्च 1931, ठीक 19 दिन पहले, 4 मार्च 1931 को कांग्रेस ने इरविन के साथ पैक्ट किया। आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते थे कि भगत सिंह के ऊपर वो ना किया? चलिए कोई बात नहीं, आपको लगा कि भगत सिंह हिंसा का साथ दे रहे थे। अरे भाई, उस समय पर किस तरह के हालात थे, किस तरह के हालात बताइए इतिहास में। कहा बीजेपी सवाल पूछ रही है, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जेएनयू के अंदर नारे लगाए उनको तो पकड़ नहीं पाए आप लोग। 1931 में कांग्रेस ने क्या किया उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप लोग। ओके ओके ओके, वन बाय वन वन बाय वन। मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। जिनके ऊपर थोड़ी देर पहले अमित देवगन बता रहे थे, आप बोल लीजिए, आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए। आलोक शर्मा ने चुनाव चुका लोग, आलोक शर्मा ने 1931 से चुनाव चुका लोग, क्या कर रहे हैं आलोक जी? नहीं नहीं, आलोक जी मैं कहता हूँ, वो 8-10 लोग बताइए, भगत सिंह के फ्यूनरल पे कोई कांग्रेस का नेता गया था? नहीं गया था। अरेस्ट क्यों नहीं किया जा सका अभी तक? ओके, लेट सुधांशु कंप्लीट। अरे भाई, मुझे मैं उसका भी जवाब दूंगा, पहले मेरा ये वाक्य पूरा होने दीजिए। घूम रहे हैं या अमीश देवगण जी ने भी एक भी शो नहीं किया उनके ऊपर, क्योंकि पीडीपी से सरकार नहीं बनेगी आपकी अगर उनको। अरे भाई आलोक जी, मुझे तो बोलने दीजिए, अभी आप स्वयं इस बात का कंप्लेन कर रहे थे, अब आप वही काम खुद करने लगे। अरे सर, 1931 में क्या हुआ उस पर आप बहस करना चाहते हैं? प्रेजेंट में आइए, सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस कह रही है। अरे मौजूदा सिंह का रिफ्रेंस आएगा तो हम वो भी वाक्य पूरा करेंगे। ओके, सुधांशु कंप्लीट। मैं मौजूदा में आता हूं, पहले वाक्य पूरा करूंगा। कांग्रेस के किसी नेता ने भगत सिंह की फांसी का विरोध नहीं किया। कांग्रेस का कोई नेता भगत सिंह के फ्यूनरल में नहीं गया। कांग्रेस का कोई नेता उसके बाद उनके परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं गया। कांग्रेस के किसी नेता की कोई चिट्ठी या वक्तव्य भगत सिंह की शहादत के पक्ष में नहीं है। यह कांग्रेस का असली चेहरा है। इस हकीकत का जवाब अब आइए वर्तमान पे आता हूँ। क्या मैंने अब वर्तमान पे आता मांगनी चाहिए? अरे भाई, अब मैं वर्तमान पे आ रहा हूँ भाई। अब आलोक जी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप वही बोल रहे थे, अब आप खुद नहीं अधीर हो रहे हैं बोलने के लिए? तथ्यों का सामना करिए, मैं वर्तमान पे आ रहा हूँ। शशि थरूर का निजी विचार है, मैंने मान लिया। आप हम पे आरोप लगाते हैं कि हमारे यहाँ फ्रिंज एलिमेंट बोलते हैं, ये शशि थरूर। अरे भाई, अब मुझे बोलने दीजिए, करबद्ध निवेदन है, मुझे बोलने दीजिए। जब आपका टर्न आए, आपको जो बोलना हो बोलिएगा, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था जब आप बोल रहे थे। चलिए, अब शशि थरूर आपके यहाँ फ्रिंज एलिमेंट है। मणिशंकर अय्यर बयान देते, पूर्व मंत्री है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अफजल गुरु के पक्ष में बयान दिया, फ्रिंज एलिमेंट है। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज मसर्रत आलम के पक्ष में बयान देते हैं, फ्रिंज एलिमेंट है। सोनिया गांधी की आंखों से आंसू आते हैं बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों पे, ये फ्रिंज एलिमेंट है। दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जाके आतंकवाद के आरोपियों पे आंसू बहाते हैं, ये फ्रिंज एलिमेंट है। और मैंने उदाहरण दिया अभी आपको कि आपने केरल की असेंबली में एक प्रस्ताव पारित किया 16 मार्च 2006 को अब्दुल नसीम, वो फ्रिंज एलिमेंट था। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वाले ये काम करते हैं, इसमें कहां जवाब देने की बात है भाई? आप तो पूरी पार्टी उत्तर से केरल से कश्मीर तक, बड़े नेता से छोटे नेता तक, विधानसभा के प्रस्ताव तक आपका समर्थन करते हैं। और एक भी नेता आपका कभी उस शहीद के घर पे नहीं गया जिसके सर काट दिया गया, एक भी नेता उन सैनिकों के सर पे घर पे नहीं गया जो संसद का हमला देते हुए शहीद हो गए। हमेशा आपके नेता आतंकवादियों के घर पे। आलोक शर्मा कंप्लीट। ओके।